हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक विद सोनू सर। देखिए, जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मेरे द्वारा दिया जा रहा है, तो अगला जो सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या दिया था। वैसे फिगर बना दिया था और इस प्रकार से लिख दिया था, यानी ये पी क्यू 6 दिया है, क्यू आर 8 दिया है, पी आर पूछा है। चूँकि समकोण त्रिभुज है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 90 डिग्री है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी 6 का 36, 8 का 64, 36 64 क्या हो गया, 100। 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 10। यानी डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर क्या लिखते हैं कि पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं पी आर बराबर रूट अंडर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। यही वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका 10 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है, जैक एक पोशाक को 1440 रुपये में बेचता है। कितना में बेचता है बाबू, 1440 रुपये में बेचता है। कह रहा है उसे 20% का लाभ होता है, तो यहाँ नियम लगाएंगे विक्रय मूल बराबर विक्रय मूल, यानी ये 1440 है, 20% लाभ पर बेचा है कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, यानी 120% बराबर 1440। यहाँ से 1440 बटा 120, 1% का वैल्यू हुआ। इसको लाभ चाहिए होता रुपये में तो केवल 20 से गुना करते, क्रयमूल चाहिए इसलिए 100 से गुना करेंगे, डायरेक्ट क्रयमूल मिल जाएगा। 0 से 0 बारह बारह 144, 12 × 100 यानी आंसर हो जाएगा 1200 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25, वाई बराबर 2x। कुछ नहीं करना है, यहाँ पुट कर देना है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 2x के जगह पर यहाँ रखिए वाई बराबर 2x, यानी ये हो गया इज इक्वल टू 25 दिया है। तो 4x² प्लस एक्स स्क्वायर ये क्या हुआ, 5x² बराबर 25, देख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोगों से कह रहा है कि बताइए फाइंड एक्स का वैल्यू, तो देखें बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो हो जाएगा 5x² बराबर 25 का स्क्वायर। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए आप कह सकते हैं, काट देंगे तो 25 × 25 ये है ना, तो 50 25, यानी 25 25 क्या हुआ, 125, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 125, तो एक्स बराबर रूट अंडर 125 हो जाएगा। अगर ये बाहर आता तो बाहर कर लेते, यानी गुना करिए तो 50 25 25 25 125, यानी 2 5 पर 1 5 बाहर निकल जाएगा क्योंकि वर्गमूल है, तो यानी ये हो जाएगा 5√5। इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा हम लोगों का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के एकदम बेसिक क्वेश्चन है। ए अनुपात बी दिया है और बी अनुपात सी दिया है, कॉमन टर्म ओके है बी भी, यानी डायरेक्ट यहाँ से पहले ए बी सी निकालेंगे तभी आप ए अनुपात सी बता पाएंगे। पहले वाले से बारी बारी से दोनों में 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15 और 5 × 4 = 20, यानी पहले वाले से बारी बारी से दोनों में लास्ट वाले से लास्ट वाले में करके ए बी सी निकाल लिए। अब ए अनुपात सी पूछा है, तीनों किसी समान अंक से कटता तो काटते नहीं, कटेगा छोड़ देंगे। ए अनुपात सी पूछा है तो ए का वैल्यू 6 है और सी का वैल्यू 20 है, ये दोनों किसी समान अंक से कटेगा तो अवश्य काटेंगे, कट रहा है। 2 × 3 = 6, 10 × 2 = 20, यानी 3:10 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे जो क्वेश्चन दिया है, यदि एक 12 मीटर लंबी छड़ को 25 बराबर भागों में बांटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई बताइए, यानी 12 मीटर है उसको 25 बराबर भाग में बांटना है तो 12/25 कर देंगे। अब देखिए ये पूरा पूरी नहीं कटेगा तो इसको काट सकते हैं, तो आप देख सकते हैं 12 मीटर है 25 बराबर भागों में बांटे हैं तो भाग दे दीजिए तो डेसिमल में चला जाएगा, यानी पहले डेसिमल हो जाएगा तो 120 हो गया, तो 25 × 4 = 100 हुआ, फिर आपका क्या बचेगा 20, तो 25 वाट है, यानी 0.48 आंसर हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है ए प्लस बी बराबर -2, ए माइनस बी बराबर 12, तो बी का वैल्यू बताएं। तो ये तो फार्मूला लगा के भी क्वेश्चन बनता है, अदरवाइज दो इक्वेशन दिया हो, छोटे छोटे वैल्यू दिए हुए हों तो वहाँ पर हम लोग अंक सोच के भी बना सकते हैं, क्योंकि विदाउट एफर्ट यानी बिना फार्मूला जाने हुए क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे ये -2 है, यहाँ ए माइनस बी बराबर 12 है, तो देखिए ना 5 - 7 बराबर -2 हो गया, और यहाँ देखिए 5 - 7 तो 5 + 7 = 12 हो गया। तो यहाँ देख सकते हैं ऐसा कोई अंक सोचे कि इस इक्वेशन में वैलिड करे, अगर वही अंक यहाँ वैलिड हो गया, यानी यहाँ सोचना है यहाँ वैलिड करना है, कोई कंट्राडिक्शन नहीं आएगा। दैट मीन्स ए का वैल्यू 5 हो गया और बी का वैल्यू क्या हो गया, 7 हो गया, तो बी बराबर 7 आंसर कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/3 दिया है, पूछा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो आँख बंद करके 3 लिख दीजिएगा, यानी कहने का अर्थ है 2/3 देता तो आप आंसर 3/2 करते, यानी इसका उल्टा यहाँ लिखाएगा। क्यों लिखाएगा, तो देखिए एक सॉल्व कर दे रहा है, फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1,
ये जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो डायरेक्ट बनाएंगे, तो थोड़ी है ना सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू ई क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। अब देखिए ये वन हो गया, अब सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना दिया है वन बाई थ्री। तो जब यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा आप निकालेंगे तो ध्यान से देखिए ये वन बाई थ्री है, ये थ्री उधर चला जाएगा कि नहीं, यानी अगले लाइन में ये तीन आंसर करेंगे। यानी जब भी यहाँ जो वैल्यू दे कोई दोनों में से एक इक्वेशन दे, दूसरा वाला पूछे तो उसका उल्टा लिख दीजिएगा, तीन तो एक बटा तीन, दो तो एक बटा दो, एक्स बटा वाई तो वाई बटा एक्स, ठीक है, ए बटा बी तो बी बटा ए करके आंसर कर लेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया हुआ है एक आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, तो परिमाप 24 सेंटीमीटर है, जो लंबाई है चौड़ाई की दुगुनी है, तो चौड़ाई एक अंश होगा तो लंबाई 2 हो जाएगा। कह रहा है कि क्षेत्रफल बताया, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ये 2x हो गया, ये x हो गया, परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 24, अब 2 इंटू लंबाई जो चौड़ाई 2 एक 3x, यानी डायरेक्ट लिख दिया 3x बराबर 24, 3 दूनी 6, 6 चौका 24, x बराबर 4 आ गया, तो ये 4 दूनी 8 है, 4 हो गया, लंबाई चौड़ाई आपको प्राप्त हो गया। क्षेत्रफल पूछा है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 8 चौका क्या हो जाएगा 32 सेंटीमीटर है, तो वर्ग सेंटीमीटर आंसर करिएगा। तो इस तरीके से लिख के भी बना सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन दिया है 3x प्लस इतना बराबर इतना, तो जोड़िए 3x में 0.04 जोड़िएगा तो 3.04x बराबर 0.608। इस क्वेश्चन का एक ही मतलब है कि डेसिमल जो है उसी में गड़बड़ी होने का चांस है, तो देखिए ऐसे कर दीजिए 108 बटा 1 2 3, तीन अंक के बाद डेसिमल है तो नीचे 3 जीरो उतार दीजिए, आई नीचे आएंगे 304 इनको कर दीजिए, 1 2 अंक के बाद डेसिमल है तो इसको क्या करेंगे x बराबर कर दिए, यहाँ पर गुणांक है तो भाग लग जाएगा, गुना भाग में जाता है, भाग गुना में, दो अंक के बाद था तो ऊपर दो जीरो लेके चले जाइए, दो से दो कट गया जीरो, 304 दूनी 608 यानी 2/10 आ गया, यानी एक जीरो है तो एक अंक छोड़ के डेसिमल लग जाएगा, यानी ये 0.2 आंसर हो जाएगा। बहुत जगह ऐसा भी आंसर होगा तो आप इस सबको क्या कर दीजिएगा कैंसिल आउट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 5x और 8x जो है यदि HCF तथा LCM है क्रमशः 9 तथा 360, तो x का मान बताएं, यानी दो संख्याएं हैं 5x और 8x, उनका HCF और LCM 9 तथा 360 है, तो x का मान बताएं। तो कंसेप्ट याद रखिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF, ये कंसेप्ट है, बहुत बार इस पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब देखिए संख्याएँ हो गए 5x गुने 8x और LCM गुने HCF 9 गुने 360। अब आप देखिए यहाँ से तो काट सकते हैं 8 पचे 40, 40 नवा 360, एक्स स्क्वायर बराबर 9 गुने 9 यानी 81 है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। क्या पूछ रहा है हम लोगों से, x का मान बताया, तो x का मान क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। चलिए फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए चार विभिन्न प्रेक्षणों का माध जो है 17.5 है, कह रहा है एक नया प्रेक्षण आया जिसका मान 20 है, तो कह रहा है कि सबका नया माध बताए। तो देखिए डायरेक्ट बनाने का अर्थ है ये गो आया है 20 वाला तो कितना बढ़ा है, यहाँ ढाई बढ़ा है, ये जो ढाई की वृद्धि हुई है ये वृद्धि जितना नंबर है सब पर जाएगा, जब टोटल में आपको औसत चेक करना होगा तो 50-25 यानी 0.5 यानी 50 पैसा होगा, चूँकि वृद्धि हुआ है यानी जो पहले चल रहा था उसमें 50 पैसा बढ़ जाएगा, यानी 18 का औसत होगा जब दोनों ग्रुप को शामिल किया जाएगा। इसको सेकेंड मेथड से बनाते तो बनाते एवरेज गुने नंबर सम होता है ना, तो 4 × 17.5 तो 4 × 17.5 तो 17 × 64 270। अब एक संख्या आया तो ये 5 गो हो गए, ये संख्या आया है तो क्या है 20 है, तब ध्यान से समझिए 70 था एक संख्या 20 वैल्यू लेके आया तो एक फल 90 हो गया, चार के बाद संख्या एक आया तो संख्या 5 गो हो गया, तो 18 × 95 यानी आपका नए का औसत क्या हो जाएगा 18 × 95 = 18 होगा। जिस तरीके से ये भी कंसेप्ट अच्छा है, यहाँ अगर कमी होगा तो टोटल में बांट के कमी होगा तो घटा देंगे, टोटल में जो वृद्धि होगा टोटल में बांट के आप क्या कर देंगे वहाँ पर ऐड कर देंगे, तो भी क्वेश्चन बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक घड़ी का MRP 4750 है यानी अंकित मूल्य है, बिक्री पर 12% का छूट दे दिया गया, तो ऑलवेज याद रखिएगा जब भी बेचते हैं तो छूट दिया जाता है अंकित मूल्य पर, लाभ हानि लिया जाता है क्रय मूल्य पर। तो अब देखिए 4750 है, 12% का छूट दिया है तो 12% निकाल लीजिए,
तो 12% निकाल लीजिएगा तो 3 चौका 12 हो जाएगा, ठीक है, 4 3 आई 12 हो गया, ये 25 चौका 100, ये 25 से काटिएगा तो 25 20 5 500 होगा, तो 19 बार में 475 एगो 0, 19 3 570। अब बताइए 4750 में से 570 रुपये का छूट दे दिया, तो अब 4750 में से 570 अब घटा लेंगे, तो अब जैसे घटाएंगे तो 0 में से 0 हो गया, 15 में से 7 गया 8, फिर यहाँ देखेंगे 6 में से 5 गया 1, यानी 4180 रुपया आपका क्या है, ये सेलिंग प्राइस आ गया। क्वेश्चन कह रहा है ना कि ना अगर इसको हम 3850 रुपया में बेचे होते तो बताइए कि हमको कितने का लाभ होता, तो ये सेलिंग प्राइस है। और क्रैमूल क्वेश्चन में कह रहा है कि 3850 में बेचे, क्रैमूल 3850 है, कहता है कि 3850 में खरीदा होता तो लाभ बताएं, तो देखिए क्रैमूल विक्रैमूल का जो अंतर होता है वही ना लाभ होता है, यानी क्रैमूल से अधिक में बेचा है तो लाभ होगा, क्रैमूल से कम में बेचता तो हानि होता, तो घटा लें आंसर हो जाएगा 0, 8 में से 5 गया 3, यहाँ देख सकते हैं 11 में से 8 जाएगा 3 होगा, यानी 330 रुपये का इसको क्या होगा, लाभ होगा। तो सिंपल वे में सब क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक साइकिल चालक 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा 4 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, औसत चाल बताएं। तो देखिए अलग अलग दूरी अलग अलग चाल देता है ना, तो औसत चाल का फॉर्मूला होगा कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, यानी क्वेश्चन में देखिए क्या क्या आपको दिया है। तो देखिए कह रहा है 8 किलोमीटर की दूरी 15 की चाल से, तो दूरी और चाल दिया है, समय तो दिया नहीं है, तो समय निकल जाएगा क्योंकि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, यानी जितना दूरी जिस चाल से जाएगा तो T1 T2 मिल जाएगा, यानी पहला 8 किलोमीटर गया और दूसरा कितना गया 4 किलोमीटर गया, तो टोटल दूरी ऊपर लिख लिया हम लोग। अब नीचे टोटल समय चाहिए, यानी 2 बार चला है तो T1 प्लस T2, यानी पहला दूरी बटा चाल T1 हो जाएगा, दूसरा दूरी बटा चाल T2 हो जाएगा, यानी 8 किलोमीटर 15 की चाल से तो 8 बटा 15, फिर आपका कह रहा है 4 किलोमीटर 20 की चाल से तो 4 बटा 20, अब इसको बना लीजिए, तो बनाइएगा तो देखिए बटा का जोड़ घटाओ तो ये 12 हो जाएगा, यहाँ देखिए 20 15 का एलसीएम ले लीजिए तो 20 15 का एलसीएम आपका जो हो जाएगा 60, ठीक है, तो 15 चौका 60 तो ये 8 चौका 32 हो जाएगा, 20 3 60 तो ये 4 3 12 हो जाएगा, अभी ऊपर जाएगा नीचे वाला, यानी ये 12 बटा 32 12 क्या हो जाएगा आपका 44, और ये 60 जो है ऊपर चला जाएगा। अब काट के देखिए तो कटेगा 4 से 4 3 12 11 चौक 44, यानी 180 बटा 11 आया। अब 180 बटा 11 आया तो इसको बदल दीजिए, तो आप देख सकते हैं 11 एकम 11, अब बचा कितना 7, तो 70 हो जाएगा, तो 11 6 66, 70 था 66 हो गया, तो 4 बचा यानी 46, तो 11 3 डेसिमल पड़ेगा 11 3 33, 7 बचा तो फिर 11 6 66, यानी 16.36 आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि जाह्नवी जो है 125,000 रुपये ले रही है 8% वार्षिक दर पर और 2 वर्ष बाद उसे कितना देना पड़ेगा, यानी मिश्रधन पूछा है, यानी 100% क्या होता है मूलधन, और ब्याज का मतलब साधारण में RT%, यानी 8% से 2 वर्ष यानी 16% ब्याज हुआ, यानी जो धन है इसका 116% दे देगी। अब 116% दे देगी तो क्या हो जाएगा इसका, आराम से मिश्रधन हो जाएगा, यानी 100 प्लस RT% क्या होता है, मिश्रधन होता है, RT% को ब्याज माना जाता है, तो मूलधन दिया हुआ है, कह रहे कितना वापस लौटाएगी ब्याज सहित, तो मिश्रधन निकाल देना है, तो काटिए तो 25 चौका ठीक है 100 हो जाएगा, 29 चौका 116 हो जाएगा, अभी काटिए 25 5 125, 3 0 रह जाएगा, अब 29 5 145 हो गया, और 3 0 है तो 3 0 दे देंगे, यानी मिश्रधन यानी इतना उसको लौटाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक बस 1 घंटे में 12.25 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, तो या 2.3/4 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी, तो फार्मूला याद रहना चाहिए D=S/T, अगर चाल पूछे तो दूरी बटा समय, अगर समय पूछे तो दूरी बटा चाल, इस फार्मूला में कौन सा कब यूज करना पड़ेगा, दो दो बार भी फार्मूला यूज करना पड़ सकता है, तो चलिए देखते हैं। कह रहा है 1 घंटे में इतना किलोमीटर की दूरी, तो समय और दूरी आपको दिया है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, चाल मिल जाएगा, ये 12.25/12 5/62 62/5 आपका दूरी हो गया, और समय कितना लिया है 1 घंटा, यानी 62/5 × 1 तो 62/5 किलोमीटर हुआ, डेसिमल बदलिए तो 12.5/60 5 चौका 20, यानी 12.4 किलोमीटर प्रति घंटा,
किलोमीटर प्रति घंटा हो गया ये। अब कह रहा है आगे कि यह इतना घंटे में कितना दूरी तय करेगी, यानी इस चाल से उतना समय चले तो कितना दूरी तय करेगी, तो दूरी बराबर चाल गुने समय, यानी आपका 12.4 गुने 4 × 2 = 8 3 = 11 बटा 4 घंटा से करना है, 4 × 3 = 12 3.1 × 11। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हो जाएगा आप 31 × 11 कर लीजिए, 31 × 9 = 310 तो 310 में 31 जोड़ेंगे तो आपका 310 में 31 तो 341 डेसिमल एक पड़ जाएगा, यानी 34.1 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कितने समय में 87 से 50 रुपये का साधारण ब्याज 8% की वार्षिक दर से मूलधन का इतना रुपये हो जाएगा। अब हम लोगों से क्या पूछा है, दर दिया है, यहाँ पर मूलधन दिया है, और ये जो दिया है ब्याज का हिस्सा दिया है, तो ब्याज तो मिल ही जाएगा। कह रहा है कि समय बता दीजिए, तो पहले यहाँ से ब्याज निकालिए, क्योंकि कह रहा है जो ब्याज है मूलधन का 6/25, तो 87 से 50 × 6/25 कर दीजिए। देखिए 25 × 16 = 400 होता है, तो 25 × 32 = 800 हो जाएगा, 75 × 25 = 3 यानी 35 बार में 875 आएगा, एक जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से गुना करिए, 36 × 1800 हुआ, और 300 यानी 2100 रुपया ये ब्याज हो गया। अब आपके पास सब क्लियर है, फार्मूला लगाइए, एस आई बराबर पी गुने आर गुने टी बटा 100, यानी ब्याज 2100, मूलधन क्या है 2750, आर 8 है, टाइम निकालना है बटा 100। अब ध्यान से देखिए, तो काटिए 2 × 4 = 8 या डायरेक्ट कर दिए 4 × 2 = 8 25 × 4 = 100। अब 25 से ही काटिएगा तो 25 × 35 = 875 आया था, तो यहाँ भी ये 350 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 36 × 18 = 6 × 35 2 × 3 = 6, यानी टी बराबर कितना वर्ष आया 3 वर्ष आया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपका बन गया, टी बराबर क्या कहेंगे 3।